आइए प्रिय छात्रों, हिंदी कक्षा में 10वीं कक्षा के लिए आपको स्वागत है। कल हमने देखा था दो वर्णों के मेल से संधि होती है और आज उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखा है। आज हम देखेंगे समास। समास में दो वर्णों का मेल नहीं होता है अपितु दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों के मेल से एक शब्द का संक्षिप्त रूप बनता है, उसके लिए अलग अलग नियम है, वो देखते हैं। समास के छह प्रकार है, उसको समास कहते हैं। समास के छह प्रकार है, उसमें पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा गर्भधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा द्विगु समास, छठा है बहुव्रीहि समास। एक एक उदाहरण इनका दिया है मैंने। सबसे पहले अव्ययी भाव समास का देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द हमेशा अव्यय रहता है। अव्यय क्या है? जो शब्द लिंग विभक्ति वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। कभी वह शब्द का रूप बदलता नहीं है, किसी कारणवश वो बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसा एक शब्द शुरू में होता है, उसे उसके साथ दूसरा कोई भी शब्द आकर समास बनता है तो अव्ययी भाव समास कहते हैं उसको। यथा संभव मैंने लिखा है, इसी प्रकार यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, दे सकते हैं। दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में नियम ऐसा है, पहला शब्द विशेषण अथवा उपमान, दूसरा शब्द विशेष अथवा उपमेय होना आवश्यक है। इसमें देखिए उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। पीतांबर, पीत वर्ण है, कलर है, अंबर वस्त्र है, शब्द आएंगे। पीत शब्द के साथ समास बना है, ये विशेषण अथवा उपमान है, ये विशेष है, दोनों मिलकर समास बना पीतांबर। और तीसरा है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में ही कई उदाहरण और भी है, पुस्तक में देख सकते हैं। और चौथा तीसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जितने प्रत्यय है, कारक चिन्ह है, वो समास होने पर लुप्त हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है, चले जाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, देखेंगे राजकुमार, ये षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी विभक्ति कारक इसमें है, लुप्त हो गया समास होने के बाद। राजा का कुमार इसका रूप था, विजय का था, वो निकल गया, राजकुमार बन गया, तो ये तत्पुरुष है। ऐसे हरेक का देख सकते हैं, हरेक विभक्ति में देख सकते हैं, विभक्ति चली जाती है, कारक चला जाता है, मिलकर कर्मधारय समास बनता है। और चौथा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में स्थित दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का महत्व एक जैसा होता है, कोई गौण कोई प्रधान ऐसा नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं उदाहरण, माता पिता, इनमें से कोई एक प्रधान एक अप्रधान ऐसा नहीं है। माता को जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व पिता को भी देते हैं, दोनों समान प्रधान है,
इसलिए ये दोनों शब्द मिलकर द्वंद्व समास बना है माता पिता। इसी तरह से अन्य उदाहरण देख सकते हैं, भाई बहन, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, इसे बहुत सारे हैं देख सकते हैं पुस्तक में है। और पांचवा द्विगु समास, द्विगु समास भी अत्यंत सरल है। देखिए उदाहरण पंचवटी, इसमें नियम क्या है, पहला शब्द संख्या वाचक होना आवश्यक है। यहां पर देखिए ये पांच, पांच का रूप है ये पंच बटी, बटी का मतलब वट है, वृक्ष है, पेड़ है, ये पहला संख्या वाचक शब्द लगा है, इसके बाद समास बना तो पंचवटी हो गया। अन्य उदाहरण दे सकते हैं, त्रिवेणी, चौराहा इत्यादि। और लास्ट बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में ध्यान दीजिए, समास में स्थित दोनों शब्द अप्रधान होते हैं और तीसरे शब्द को लेकर हमें समझना पड़ता है, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहां देखिए दशानन, दस आनन वाला कौन होता है, रावण, दस आनन वाला रावण होता है। इस समास में स्थित दोनों शब्द प्रधान नहीं है, दोनों गौण है, दस भी गौण है, आनंद भी गौण है, हम दूसरे ही तीसरे ही शब्द से शब्द को लेकर उसे समझते हैं रावण। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है नीलकंठ, मान लीजिए नीलकंठ है और भी उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे समास के बारे में हमने अब देखा।